नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों? आज बात करेंगे एशियन गेम 2023 के बारे में। दोस्तों, सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 9 विकेट से हराकर फाइनल में जगह पक्का कर लिया है। दोस्तों, हांगझोई एशिया के खेलों में पुरुष क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 9 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने फाइनल में जगह बना ली है और कम से कम रजत पदक तो पक्का कर लिया है। दोस्तों, फाइनल में भारत का सामना अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मैच के विजेता से होगा। इस मैच में बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 96 रन बनाए। टीम इंडिया ने 1 विकेट खोकर 97 रन बनाकर मैच को अपना नाम कर लिया। दोस्तों, इस मैच में भारतीय कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बांग्लादेश की शुरुआत बेहद ख़राब रही और 18 रन के स्कोर पर पहला विकेट गिरा दिया। इसके साथ ही बांग्लादेश के नियमित अंतराल पर विकेट गिरते गए और पूरी टीम 96 रनों पर ऑल आउट हो गई। दोस्तों, भारत के लिए साई किशोर ने 3 विकेट लिए, वहीं वाशिंगटन सुंदर ने 2 विकेट लिए, बाकी गेंदबाजों को 1-1 विकेट मिले। दोस्तों, 97 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत बेहद ख़राब रही और पिछले मैच में शतक लगाने वाले यशस्वी जायसवाल बिना खाता खोले आउट हो गए। हालांकि इसके बाद तिलक वर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ ने ताबड़तोड़ अंदाज में रन बनाए और 4th ओवर में ही 50 रन का स्कोर पहुंचा दिया। दोस्तों, भारत ने 1 विकेट खोकर 9.2 ओवर में 97 रन बना लिए और इस मैच को अपने नाम कर लिए। दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ ने 26 गेंदों में 40 रन और तिलक वर्मा ने 26 गेंदों में 55 रनों की नाबाद पारी खेलकर भारत को फाइनल पहुँचाया। फाइनल मैच शनिवार को होगा।